एक बुक लाइब्रेरी है तेजू में जिसे बैम्बूसा लाइब्रेरी बोलते हैं। बहुत लोगों को मालूम है ये बैम्बूसा लाइब्रेरी कहाँ पर है और कुछ लोगों को पता नहीं ये कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि बैम्बूसा लाइब्रेरी जो है तेजू में है और तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। इसकी खासियत क्या है कि इस बैम्बूसा लाइब्रेरी के जो एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी देख रेख में की जाती है और उनका नाम है पद्मश्री अंकल मूसा। तो लोग उन्हें अंकल मूसा के नाम से जानते हैं लेकिन उनका नाम जो असली नाम जो है कुछ और ही अंकल मूसा से ही जानते हैं। तो आज आपको अंकल मूसा से मिलाते हैं कुछ। तो हमारे साथ अंकल मूसा बैठे हुए हैं। तो अंकल मूसा एकदम ब्रीफ में अगर बताना हो तो लोग आपको अंकल मूसा से जानते हैं। तो ये नाम ये एक तो पहले बहुत सिंपल नाम है, कोई भी याद कर सकते हैं, कोई भी आसान से बोल भी सकते हैं। सेकेंडली ये मेरा पेन नेम रहा है जो बच्चों के लिए मैं जो आर्टिकल्स लिखता था तो उसमें ये इससे यूज कर रहा था, तो वो बस वो रही गया, वही आराम से कोई भी यूज कर सकते, याद कर सकते जी। तो दोस्तों आपको हम बताएंगे कि उनका असली नाम, उनका ऑफिशियल नाम क्या है, लेकिन आगे बात करते हैं। तो सर, जब अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आए थे उस वक्त का जो एजुकेशन सीनेरियो था किस तरह का था? जैसे मैंने बहुत प्लेटफॉर्म में ये बता चुका है ये कि हम अरुणाचल में जब 1971 में स्कूल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम आ गया, स्कूल्स तो कुछ ही जगह में लोकेटेड था और लोगों को गांव-गांव दूर दूर गांव से लोगों को उधर आना पड़ता था। लेकिन जब स्कूल्स डेवलप हो ना शुरू हो गया, ज़्यादा स्कूल्स बनाना या नया नए स्कूल शुरू हो गया, तो जो फैसिलिटीज जो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और इम्पोर्टेंट शहर में, जो मिनिमम शहर भी नहीं बोल सकता है बट इम्पोर्टेंट सेंटर्स में मिल रहे हैं, वो इंटीरियर एरियाज में वो मिलने का है। तो रीडिंग का सबसे इंग्लिश मीडियम होना है तो रीडिंग इंग्लिश रीडिंग का मौका होना चाहिए, तो उसके लिए बेसिक है लाइब्रेरी फैसिलिटीज जी। वो तो ज़्यादातर स्कूल्स में वो कम था। और जब हम एक टोटली एलियन लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज भी बोल सकता है, इंग्लिश को एक्सेप्ट कर रहे स्कूल में एजुकेशन के लिए, तो बच्चों को वो उसमें डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यही सबसे बड़ा मुश्किल था, बच्चों को इंग्लिश के लिए एक्सपोजर बहुत कम था। इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी वो बहुत लिमिटेड था जी। तो इंटीरियर एरिया में आप जितने भी जाएंगे वो ज़्यादा देखते रहा। तो कंपेयर करते हैं तो वो समय का और अभी का समय में डेवलपमेंट कितना हुआ है सर? वेल, डेवलपमेंट तो पॉजिटिव साइड में हम देखने से तो एक ही नंबर ऑफ स्कूल्स तो काफ़ी डेवलप हुआ है। अरुणाचल के फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अभी थर्ड जनरेशन आ गया। सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हुआ है, ज़्यादातर लोग बाहर पढ़े हैं तो उनको अच्छा इंग्लिश का एक्सपोजर और रीडिंग का महत्व भी उन लोगों को मालूम हुआ है। बट ये बाई द टाइम ये थर्ड जनरेशन आएंगे तो काफ़ी एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एक तो ये एक्सप्लोशन ऑफ दिस मास मीडिया, सोशल मीडिया, तो उसके कारण रियल रीडिंग जो करना है उसमें काफ़ी रीडिंग वो कन्फाइंड टू मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, बट वो असली रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती आज के हमारे न्यू जनरेशन अरुणाचली स्टूडेंट्स में आ रहा है कि उनको तो रीडिंग एक्सपोजर तो फिर भी पहले जैसे ही था जी जी। बोले कम से कम 70s में तो जितने अरुणाचली स्टूडेंट्स को रीडिंग का मौका था, इंटरेस्ट था, वो ये मॉडर्न फैंसीफुल इक्विपमेंट गैजेट्स के माध्यम से वो रियल रीडिंग का महत्व काफ़ी मन में कम हो गया। और इसमें और एक प्रॉब्लम है कि जब एक्सपोजर हम लोगों को देना है तो हम लोगों के पास मॉडल्स होना चाहिए जी जी। रोल मॉडल्स जी जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कोई भी भाषा डेवलप करने के लिए आपको स्पीकर्स होना चाहिए। जब तक हमारे लोगों, बच्चों में या युवकों में इंग्लिश सुनने का अच्छा स्टैंडर्ड इंग्लिश सुनने का मौका नहीं होता है तो उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आना बहुत मुश्किल होगा। ये हिंदी को तो वो हुआ है क्योंकि नेटिव स्पीकर्स ऑफ हिंदी अभी अरुणाचल में काफ़ी है। आफ्टर 1980 काफ़ी हिंदी स्पीकर्स इस एरिया में हिंदी भाषी आए हैं, बट उसके अनुसार इंग्लिश का हमें सपोर्ट नहीं हुआ है जी। तो दो अकेडमिकली हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, एक्सेप्ट इन सम प्राइवेट स्कूल्स
बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चुनौतियां बढ़ रही है जी, कम नहीं हो रहा जी। अभी इनफॉर्मली में आपसे पूछते हैं, तो आपने कहा कि इंग्लिश डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होने के बावजूद भी बहुत सारा बाकी है इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कभी कभी जैसे हम लोग फेसबुक में सुनते हैं, सोशल मीडियाज में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरुणाचल के लोग जो हिंदी है आधा अधूरा बोलते हैं, इंग्लिश ब्रोकन नेटिव लैंग्वेज, अपना वर्नेकुलर लैंग्वेज या कहें कि मदर टंग जो कि डायलेक्ट है वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे सर? ये प्योर लैंग्वेज एक आइडिया है, वो तो कम्प्लीटली एक मिथ है। तो आप इंग्लैंड में जाने से भी, आप जो माय फेयर लेडी फिल्म देखा होगा तो वो फ्लावर सेलर्स कितने अजीब सा इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए वो सॉन्ग बहुत मशहूर है, द राइन इन स्पाइन स्टाइस माइनली इन द प्लाइन। सो प्रोफेसर उनको हिगिन्स उनको सिखाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए, जैसे प्योर हिंदी ऐसे कुछ है ही नहीं, प्योर इंग्लिश भी नहीं है। जो कम्युनिकेबल है वो है। हमारे भाषा, हमारे अरुणाचल की जितने भी भाषा है वो असामीस और ये सब हिंदी सीखने के टाइम पर उसमें इसका इन्फ्लुएंस लगाएंगे ही। तो हमारा अरुणाचली हिंदी इसे कोई शर्म करने की बात ही नहीं है, वो हमारे हमारे एक आइडेंटिटी है। हम उसमें बहुत ये बहुत प्राइड होना चाहिए, हम हिंदी बहुत आसानी से बोल सकते हैं और हमारा ही अपना एक वैरायटी जो वो निकला है। इस भाषा में बोलने से कोई भी आप कोई भी व्यक्ति आपको समझेंगे हिंदी। अगर आप लखनऊ की लखनऊ हिंदी या वाराणसी हिंदी बोल देने से आधा लोग आपको सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं। जी जी। तो हमको अगर लोगों से कम्युनिकेट अच्छी तरह करना है, भाषा तो उतनी के लिए, तो हम लोग अपना ही स्टाइल में बोलने में कोई गलती नहीं। मदर टंग का ये प्रॉब्लम सिर्फ अरुणाचल में नहीं, बहुत एरिया में है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अरुणाचल में, हमारे मदर टंग में स्क्रिप्ट अभी तक नहीं आया है। वो स्क्रिप्ट लाने के लिए हम लोग काफी टाइम ये लॉस हो गया है। तो अगर रोमन स्क्रिप्ट यूज करना है, देवनागरी स्क्रिप्ट, उसके डेवलपमेंट जब तक कंप्यूटर नहीं आते हैं वो क्लियर कट आइडिया नहीं था, अभी तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अगर हम क्लास सिक्स में या सेवन में या फाइव में थर्ड लैंग्वेज जैसे मातृभाषा यूज कर इंट्रोड्यूस करेंगे वो तो पॉपुलर होगा ही नहीं। अगर मातृभाषा, अगर कोई भाषा अच्छा से सीखना है तो वो जैसे इंग्लिश हम लोग हिंदी सिखा रहे उसी तरह अपनी मातृभाषा क्लास वन से सिखाना पड़ेगा। और हम जो क्योंकि अरुणाचल का पॉपुलेशन एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तो ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा मातृभाषा नहीं इसलिए हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। जो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मेजॉरिटी कोई भी कम्युनिटी है उसकी मातृभाषा हम सीखने का शुरू कर, अगर जिसको दूसरा भाषा सीखना है तो आप टेक्स्ट बुक बनाइए, रीडर्स बनाइए और जो पढ़ सकते हैं पढ़। लेकिन अभी प्रिंटेड बुक्स, टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक जरूर नहीं है, स्टोरी बुक्स बहुत कुछ अभी आप नागा भाषाओं में, खासी भाषा ये सब डेवलप किया है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, स्टोरी बुक्स, बिब्लिकल बुक्स, स्टोरीज, वो अलग अलग टाइप के बुक्स उनकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन मिशनरीज लाए हैं, तो इसलिए वो लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। हमारे लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए हमें आगे आना पड़ना, हमको दूसरा कोई डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। वो उस जमाने में तो कोई नहीं था इसलिए मिशनरीज काम किया है। अभी हम लोग अपने एजुकेटेड अरुणाचली लोग अपने अपने एरिया में स्क्रिप्ट अडॉप्ट करना है, जितने भी जल्दी रीडर्स, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इसी माध्यम से इंट्रोड्यूस करने से क्लास वन से अपने मातृभाषा लिखने का एक टेस्ट, पढ़ने का टेस्ट, उसके बाद में लिखने का टेस्ट आ ही जाए। जी, लेकिन जब बात करते हैं यंगस्टर्स की, कहते हैं कि कोरियन जो कल्चर है, कोरियन पॉप कल्चर है, लोग पर्टिकुलरली यंगस्टर्स कोरियन लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है जबकि अपना मदर टंग सीखने में उतना प्राउड फील नहीं करते। ये भाषा कब सीखना होता है, अगर आपको वो भाषा की प्रति एक स्पेशल रुचि, एक टेस्ट, एक एप्टीट्यूड, तो उसके अनुसार है। बहुत लोग आजकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जर्मन सीखते हैं, क्यों? जर्मनी में हायर एजुकेशन का बहुत अपॉर्चुनिटी है और फ्री एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन जर्मनी इज कम्प्लीटली फ्री। एक टाइम आपका एडमिशन मिल गया तो आपका पूरा एक्सपेंडिचर यूनिवर्सिटी बेयर करेंगे, तो वो बेनिफिट देके बहुत लोग जर्मन भाषा सीख रही है। तो उस टाइप के जैसे
कोई भी एरिया में जाने के लिए आपको वो भाषा नॉलेज के लिए आपको एक अंदर से एक प्रेरणा आना चाहिए। तो हम अपनी मातृभाषा सीखने के लिए उसी टाइप का एक प्रेरणा हम लोगों को लाना ही पड़ेगा। जी, तो जैसे कि अंकल मिसा ने कहा कि अपना मदर टंग सीखने के लिए एक प्रेरणा होना पड़ेगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो सर बात करते हैं बैम्बूसा लाइब्रेरी की, सर इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 2007 में ये इसका फॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन आइडिया है 2006 में उस टाइम के लोहित यूथ लाइब्रेरी, लोहित डिस्ट्रिक्ट के डीसी डिप्टी कमिश्नर थे प्रशांत लोखांडे जी, तो उन्होंने एक टीचर्स ओरिएंटेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था वो 2006 में। और AWAC जो हमारे लाइब्रेरी के फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन, उनके एक्सपर्ट्स और नेशनल बुक ट्रस्ट हम और मेरे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद ट्रस्ट मैसूर से हम लोग एक जॉइंटली एक टीचर्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें AWAC को इतना अच्छा लगा तो ये रीडिंग प्रमोशन का एक अरुणाचल में एक माहौल चाहिए था, सोचो AWAC ऑफर किया है, हम लोहित के लिए एक लाइब्रेरी ऑफ कर रहे हैं, ऑफिस ऑफर कर रहे हैं। तो उसके कारण वो ऑफिशियली वो 2007 मार्च में वो दिल्ली में हमारे अभी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामेन सर जो उस टाइम थे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफिशियली लोहित के युवजनों के लिए उसको रिसीव किया AWAC से और हमारे ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया। तो आप एक लाइब्रेरी शुरू कर दी, तो बिकॉज वो इट्स अ जॉइंट एफर्ट जॉइंटली डन विद द लोहित एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया था। जी सर, तो बाद में ये जब ये बैम्बूसा लाइब्रेरी दूसरे वेलविशर्स के माध्यम से एक अभी एक परमानेंट इन ये बिल्डिंग आज आ चुका है, बहुत लोग इसका कंट्रीब्यूट किया है। अभी ये लाइब्रेरी ये VKV तफरगाम अलमनी सोसाइटी का ग्रुप से ये वो लोग एडमिनिस्टर कर रहे जी हैं। सर, तो सर 2007 से अभी तक का जर्नी कैसा रहा? वो एज एक्टिविटी वाइज हम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब 2007 में एक लाइब्रेरी रीडिंग रूम जब शुरू हुआ है तो उस टाइम तो ये बहुत लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाना बहुत टाइम वेस्टिंग है और पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही ये नहीं, लेकिन अभी वो विचारधारा काफ़ी चेंज हुआ है क्योंकि जो रीडर्स बहुत आगे आके उसमें इंटरेस्ट लिया है वो ऐसे बहुत हम सक्सेसफुल रोल मॉडल्स अभी निकल चुका है। जैसे आपको मिला है कि हमारे फर्स्ट लाइब्रेरी रीडर अभिनव द्विवेदी जो वो अभी MBBS कर रही है, और हमारे अपने लाइब्रेरी वाकरो के अरुणा मेडो की लड़की जो प्रिया नी वो भी अभी यूक्रेन में MBBS कर रही है सेकेंड ईयर में, तो इस टाइप का। फिर उसके अलावा बाकी बहुत वॉलंटियर्स बाहर जाके कोयम्बतूर में चेन्नई में पढ़ रही, एक लड़की तो अभी भरतनाट्यम सीख रही है, वो सब इसीलिए हुआ है लाइब्रेरी में आके, ये यूथ लाइब्रेरी में आके उसमें प्रोग्राम्स करके डिस्कशन करके उसमें रीडिंग का एक प्रचोदन एक मोटिवेशन आ गया उनको, तो उसके कारण ये सक्सेसफुल है। तो मैं समझता हूँ कि एट द यूथ लाइब्रेरी मूवमेंट ये बैम्बूसा लाइब्रेरी और उसके यूनिट लाइब्रेरीज जो नामसाई में है हवाई में है तो बहुत वाकरों में अपनी लाइब्रेरी है, ये लोग बहुत बड़ा समाज के लिए एक बड़ा बड़ा सेवा किया है। इसका नाम जो है थोड़ा अजीब है, छोटा सा प्यारा सा है, बैम्बूसा। सर इसका नाम बैम्बूसा क्यों? ये तो तेजू में ओरिजिनली हम शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बैम्बू मिशन का एक बिल्डिंग बनाया था तो बैम्बू का बोटानिकल नेम है बैम्बूसा, तो इसलिए हमने उसका फर्स्ट पार्ट ले लिया बैम्बूसा, तो क्योंकि पूरा बिल्डिंग बैम्बू का था तो जी इसलिए बहुत थोड़ा अजीब से लगेगा, छोटा भी है याद करने के लिए भी लोगों को सुविधा है तो इसलिए बैम्बूसा लाइब्रेरी रखा। जी, अब बात करते हैं पद्मश्री अंकल मूसा की। सर जब आपको आपका नाम जो पद्मश्री अवार्ड में जो आपका नाम जो लिया था मिला था, तो उस वक्त जो एक फीलिंग था सर, उस वक्त का जो सिचुएशन जो कुछ फील कर रहे थे क्या था सर? वो एक्चुअली मैं जैसे मैंने पहले भी 3-4 प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा क्रेडिट अरुणाचल के युवकों बच्चों के लिए है क्योंकि उन्होंने ये रीडिंग मूवमेंट का एक नया आइडिया उन्होंने डेवलप किया। जब जी तक लिसनर्स नहीं है, पार्टिसिपेंट्स नहीं है स्टोरी टेलिंग करने के लिए,
सुनने वाले नहीं है, किताब पढ़ने में के लिए बच्चे नहीं है, तो कोई एक रीडिंग वुमन हो ही नहीं सकता है। तो लास्ट 40 ईयर्स में मेरा एसोसिएशन बच्चों के साथ हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, तो वो उसमें उनका उनका मोटिवेशन से, उनके सपोर्ट से ही मुझे प्रेरणा मिली है। तो एक्चुअली द अवार्ड इज मेंट टू बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ अरुणाचल, पद्मश्री इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अरुणाचल, लेकिन इतने लोग तो दिल्ली जा नहीं पाएंगे, तो किसी को रिप्रेजेंटेटिव करके देना है, तो मैं ऐसे उनका कोऑर्डिनेटर, उनका पोस्टमैन जैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो इसी से मालूम चलता है कि अंकल मूसा के जो ह्यूमिलिटी किस तरह के, तो अंकल मूसा अभी आप जानना चाहेंगे कि लोग अंकल मूसा के नाम से जानते हैं, आपका असली नाम क्या है सर? असली नाम है सत्यनारायणन, मेरा फैमिली नाम है मुंडई, नाम तो सत्यनारायणन जी। जब आप जो एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करते थे, कुछ बताएंगे हल्का सा? वो आज का लाइफ से वो बहुत बहुत कम रिलेशन हो सकता है, बट एनीवे ये मैं बता सकता हूँ, बहुत क्लास वन से ही या क्लास टू से ही रीडिंग का हमारे एक अच्छा माहौल था। जब माहौल होता है तो कोई बच्चा का या कोई युवक का जीवन मोल्डिंग हो जाता है। तो उसी टाइम हम लोग 60s, 50s में तो वो तो रीडिंग रेवोल्यूशन था, उसके पहले ही रीडिंग रेवोल्यूशन हो चुका है, बट मुझे तो उसका बेनिफिट मिला है। तो हर जगह में रीडिंग का इम्पोर्टेंस, हर घर में बुक्स, हर घर में वीकलीज, तो ऐसे माहौल में कोई भी रीडिंग आसानी से पिकअप करते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे बहुत बहुत यूजफुल हो गया जब मैं अरुणाचल में आ गया, तो मैंने देखा है कि मेरे जैसे मैं 50 साल पहले या 40-30 साल पहले मेरा बचपन में कैसा था, वो अपॉर्चुनिटीज ये बच्चों को नहीं मिल रहा है जी, जी। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों, मुझे तो इतना कुछ दूसरों समाज ने दिया है, मेरे एल्डर्स ने दिया है, तो मैं थोड़ा सा उनको भी दे दूं, तो वो मोटिवेशन आ गया है डेफिनेटली। आप अरुणाचल आए थे उस समय का अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रोडवेज की बात करें, तो रोडवेज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। फिजिकल हार्डशिप्स तो उस जमाने में डेफिनेटली सबको था, जो भी 1960 में 70 में 80s में रहे हैं तो उनको मालूम पड़ेगा कि 60s से काफ़ी 70s इम्प्रूव हुआ है, 70 से 80s इम्प्रूव हुआ है, 80 से 90, वो तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ कुछ टाइम में बहुत बड़ा जंप भी हुआ। जैसे हम लोग को पहले अरुणाचल आने के लिए डायरेक्ट बस सर्विस नहीं था, तो नदी के पास तक एक बस में आना है या दो बस में आना है, फिर नदी क्रॉस करने के बाद दूसरा बस में, धीरे धीरे भाई 90s ये हो गया कि जब नदी का बहुत रिवर्स पानी कम हो गया तो डायरेक्ट बस सर्विस सिस्टम आ गया। बस तो चेंज करना पड़ता था, आपको टिकट डायरेक्टली मिलता था, तो आप डिब्रूगढ़ से ये इटानगर जाएंगे या पासी लखीमपुर जाएंगे या कहाँ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट टिकट में, सेम वे तिनसुकिया से आप तेजू आना है, तिनसुकिया से रोइंग आना है, आप एक ही टिकट से काम हो रहा, पहले ऐसा नहीं था जी। तो 70s में, अर्ली 80s में तक। तो सर ये तो हुई किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट आया, और देख रहे हैं आपने खुद देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोशल ट्रेडिशन कल्चर में हल्का सा डिग्रेडेशन आया है? डेफिनेटली वो ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा मिलने से, उसको ठीक तरह यूज नहीं मालूम नहीं होने से वो ज्यादा रहता है, तो ये इम्बैलेंस इन जो मटेरियल्स हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो फैसिलिटीज है, सोशल मीडिया है, या कम्युनिकेशंस है, व्हीकल्स है, सब उस कैटेगरी में आता है। अगर आपको उस वो मटेरियल्स रिसोर्स से आपको मैक्सिमम अपना लाइफ को कैसे इम्प्रूव नहीं करना नहीं जानता है या उसमें हमारे कमी होती है, तब तो वो आपको बहुत अलग अलग रास्ता से ले जाएंगे। जैसे टिम्पल एग्जाम्पल है, आप कोई मोबाइल एप्स ओके गूगल से कुछ शुरू करने चेक आपको, लेकिन आप एक सोच के शुरू करेंगे, आप सडनली दूसरा आपका अटेंशन दूसरे में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप उसको ढूंढना शुरू करेंगे तीसरा, तो ओरिजिनल हम भूल जाते हैं, हम किसके लिए गूगल खोलें, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इतना मेटीरियल पहले ऐसा नहीं था। अगर आप बुक लेंगे तो आप एक बुक लिया है तो मत उससे जानकारी लेने के था, तो आपका टाइम और रिसोर्सेस पूरा उसमें जाता था। आजकल ये इसके लिए हमें बहुत
सतर्क रहना पड़ता है। फिर बात करते हैं सत्यनारायण मुंजियावर की। सर आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक ऑफिसर रह चुके हैं सर, आपको अरुणाचल प्रदेश आने में या नॉर्थ ईस्ट आने में इंस्पिरेशन किस तरह से मिला सर? नहीं वो मैं इतना तो नहीं था, मैं जस्ट मेरा करियर ही शुरू हुआ था जी, मैं हार्डली 7 इयर्स सर्विस था, बट वो बात नहीं, मुझे अपना ही इंटरेस्ट था ये एजुकेशन और चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन, ये तो मुझे अपना ही इंटरेस्ट था, तो वो मेरा चॉइस था कि क्यों नहीं। तो एक्सीडेंटली अरुणाचल का नाम आ गया पेपर में, एडवर्टाइजमेंट आ गया कि अरुणाचल में ये स्कूल एजुकेशन शुरू हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया। तो जैसे उस टाइम विवेकानंद केंद्रा नए स्कूल्स खोल रहे थे, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा मुझे कुछ क्रिएटिव एजुकेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए, और उसमें विवेकानंद केंद्र मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है जी, जो क्रिएटिव लर्निंग क्रिएट प्रमोशन करने के पूरे हमारे साथी लोग, उस टाइम के जो भी साथी हमारे साथ काम किए हैं और एज एन होल ऑर्गेनाइजेशन और उसके सीनियर मेंबर्स, बहुत अच्छा से सपोर्ट किया है, इनकरेज भी किया है, हमारे कोई ऑब्स्ट्रक्शन डिफिकल्टीज हमें मुझे फेस नहीं किया। हाँ इतना ही था कि कुछ लेवल पर हो गया 1996 के बाद मुझे लगा कि स्कूल सब एस्टैब्लिश हो गया, तो उसमें क्रिएटिव वर्क करने के लिए मुझे जो वो बेनिफिट्स नहीं मिला है लार्ज सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स वो था, तो उनको उनके लिए हम जब तक कुछ नहीं करते हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का आइडिया द एजुकेटेड पर्सन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, सो स्वामी जी सेज इन इंग्लिश, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. तो जो educated व्यक्ति है उसका जिम्मेदारी है, he is not educated because of his cutting, he is educated because of the support of his parents, grandparents, community, the government, the humanities, knowledge itself. So all that forces have guided him to reach where he is. So if he forgets that the deprived, the reading deprived, the learning deprived people, at least he must do something. तो वो मेरा मन में बहुत ये लगा, तो आई थिंक देर आर लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हु कैन बेनिफिट फ्रॉम माई इंटरेक्शन, एंड आई विल ऑल्सो बी एबल टू फील हैप्पी दैट ओके माई वॉट एवर आई हैव बेनिफिटेड लिटिल बिट आई कैन पास इट ऑन टू दैम, आई कैन नॉट पास ऑन ऑल जी, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अक्वायर समथिंग, लेकिन थोड़ा सा मैं मेरे जो मुझे जो अच्छा लगा है वो मुझे देने का एक कोशिश तो मैं कर सकता हूँ जी। तो सर सत्यनारायण मुंजियावर का जो बात करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, उनके लोगों को जब मालूम चला कि वो बहुत दूर जा रहे हैं, तो उन लोगों का जो रिएक्शन था क्या था सर? वो तो नेचुरली कोई भी फैमिली जैसे पेरेंट्स मेरे माँ को, उनको तो डेफिनेटली कुछ तकलीफ होगा क्यों ये अर्बन एरिया से रूरल एरिया मैंने, बट बहुत ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो उन्होंने कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ करने के लिए जा रहे, तो अगर उनका वो चॉइस है तो हम लोग क्यों उनको रुकाना है, ये भी फीलिंग्स डेफिनेटली था, तो उसके कारण अभी भी मेरा फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट मुझे जो भी कर रहे हैं मिल रहे हैं, प्लस ये लाइब्रेरी मूवमेंट में उनका बहुत कुछ सहयोग भी है, मटेरियल भी, सपोर्ट भी, इमोशनली भी, हर टाइप का सपोर्ट वो होते हैं, हमारे बहुत वॉलंटियर्स उनको बहुत अच्छे हैं, उनको मिले भी है फैमिली मेंबर्स को, तो वो एक अच्छा सपोर्ट उनको देख रहे हैं कि दिस इज हाउ ए सोशल वर्कर शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। आपके लिए सब कुछ सही था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, तो बात करते हैं सर जब आप फर्स्ट टाइम जब नॉर्थ ईस्ट एंटर किया था आपने, तो उस समय कुछ फीलिंग आया था सर? फीलिंग तो ये थोड़ा सा खाने के लिए तो वो तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा ही नया एरिया में आने से, उसके अलावा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हुआ है जी। हाँ खाने का डेफिनेटली वो हो सकता है, अभी हम लोग नया टाइप का खाना है, जैसे कुछ नया चीज होने से कोई भी किसी को भी तकलीफ हो सकता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल जी जो वेस्ट में है, ग्राउंड नट ऑयल यूज करते हैं हम लोग केरला में, तो
कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, तो ये मस्टर्ड ऑयल का एक अलग से अजीब से अनुभव। अभी तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सा मस्टर्ड ऑयल है कौन सा एडजस्ट हो गए सर। हाँ एडजस्ट डेफिनेटली। बात करते हैं फिर रीडिंग की। जब हम अब के जमाने में, अब के टाइम में जब हम रीडिंग की बात करते हैं, लोग जो लिटरेरी जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी जो तादाद है कम हुई है, क्या कहेंगे सर? ये एक्चुअली वो ही मैडम ने अपना एक इंटरेस्ट से जो परस्यूट करेंगे फॉलो करेंगे तब तो उनको बेनिफिट होगा। और ऐसे भी हमारे रीडिंग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है अरुणाचल में, देर इज़ अ वेरी हाईली। आज तेजू जैसे अभी हम लोग तेजू में हैं, तेजू देखेंगे तो काफ़ी एजुकेटेड काफ़ी वेल रीडिंग ऑफिसर्स बहुत हैं इधर में। मुझे बहुत प्राइड लगता है जो जो ऑफिसर्स बीच बीच में आके लाइब्रेरी से कुछ बुक्स पूछते हैं या डिस्कस करते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले 30 ईयर्स के 40 ईयर्स के पहले इतना नहीं था, मोस्टली जो ऑफिसर्स बाहर से थे उनके पास ये नॉलेज था। अभी हमारे अरुणाचल के ही बहुत ऑफिसर्स वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स काफ़ी वेल रेड है, और उसमें कुछ लोग ये भी देखेंगे आप कुछ तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग नॉलेज दे डोंट रीड, तो उनका पर्सनल चॉइस हो गया। जी। हाँ तो सर ये जो बैम्बूसा यूथ लाइब्रेरी जो नेटवर्क है इसके लिए जो बुक्स होते हैं, जो बुक्स आते हैं सर, कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है सर? टोटली इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल, वेल विशर्स, डोनर्स, और इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैज डोनर्स। तो हमको अरुणाचल के स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिला है जी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला, बहुत ऑफिसर्स कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और जो प्लस लार्ज नंबर ऑफ वेल विशर्स जो कैशुअली जैसे कोई वाकरों में लाइब्रेरी देखा है तो अंदर रखे, अरे इवनिंग में इतना छोटा जगह में एक लाइब्रेरी खुला है इवनिंग में देखे, ऐसे कुछ लोग आके कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर कुछ बुक लवर्स है वो रेगुलरली एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एक इंग्लैंड से एक सज्जन है मिस्टर साइमन स्मिथ, वो इंग्लिश टीचर है, उनको लाइब्रेरी के बारे में फिर 10 मिनट्स का उनको ब्रीफिंग मिला था, मैं उनको हैदराबाद में मिला था, उसके बाद वो इतना अच्छा लगा, एवरी ईयर ही सेंड्स अ पैकेट ऑफ बुक्स और पूछते हैं नेक्स्ट ईयर आपको किस तरह का बुक चाहिए, तो वो बट ही इज फॉलोइंग अप। हम लोग जो कर रहे हैं उसको उनको ऑनलाइन में रिपोर्ट्स भेजते हैं वो। फिर दूसरे कुछ लोग हैं जो हमारे वेलविशर्स एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे स्कॉट हम लोग अभी अवार्ड्स देते हैं हर साल हमारे एक्टिविस्ट को वॉलंटियर्स को, तो वो काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड्स है, एनुअल 5,000 to 8,000 rupees एक वॉलंटियर को एक अवार्ड मिलते हैं जी। वो सब कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाई डोनर्स जी। तो सर आप पेन नेम अंकल मुसा से लिखते हैं, अगर आपको कहें या आपको आपसे पूछे कि कुछ फेवरेट बुक्स आपका क्या है तो आप हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? बहुत टाइप का बुक्स है, अभी बैम्बूसा लाइब्रेरी के सोचेंगे तो मैंने ये नया डिस्कवर, मेरे लिए पर्सनल डिस्कवरी था रॉयल डाल, रॉयल डाल के स्टोरीज सिर्फ मैं नहीं हमारे लाइब्रेरी रीडर्स भी काफ़ी उसको पसंद है। कल रात में ही एक बोल रहा था एक छोटा बच्चों के लिए रॉयल डाल का एक बुक आया है कलर्स, वो तो मैंने देखा नहीं है बट वो बता रहे थे हमारे लाइब्रेरी वॉलंटियर बता रहे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने अब उनका नेव्यू को मैं खरीदा हूँ वो बता रहे थे। तो ये एक हम लोगों के लिए एक रॉयल डाल एक नया डिस्कवरी था, लेकिन मेरे अदरवाइज ऑल्सो मैंने बहुत कुछ पुराने जो मेरा बैम्बूसा लाइब्रेरी में एसोसिएट होने के पहले ही बहुत फेवरेट राइटर्स है, जैसे लुइस कैरल थ्रू द लुकिंग ग्लास इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, देन लॉस्ट होराइजन दैट्स अनदर, जेम्स हिल्टन्स इज टॉकिंग अबाउट दिस तवांग मोनास्ट्रीज ऑलमोस्ट एन इमेज, तो दिस वन ऑफ माई वेरी फेमस, आई मस्ट हैव रेड इट सम 25 times एंड आई मस्ट हैव गिवन दैट बुक प्रेजेंट टू मोर देन 25 people, so is one of my very favorite books that I read it even before coming to Arunachal, but that must have been one of the very strong influences then popular science books I love popular science, large number of authors are there, James Herriot on animals mujhe bahut pyara acha lagta hai, fir Dr. Seuss jo hum bachon ko reading promotion ke liye Dr. Seuss ka books jaise
फूड बुक, एबीसी बुक, ये सब हम लोगों का बहुत बहुत, कैट इन द हैट, ये सब बहुत प्यारा प्यारा किताबें हैं। तो सर जो रीडिंग में जो इंटरेस्ट है उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? तो उनको ये सब टाइप का बुक्स जरूर पढ़ने के लिए है ना, और एक लाइब्रेरी टाइम अपना रीडिंग के लिए, एक छोटा सा टाइम, हाफ एन आवर डेली, और वन आवर डेली नहीं होने से हाफ एन आवर डेली कुछ बुक्स पढ़ने का एक हैबिट हर व्यक्ति अरुणाचल में डेवलप करने का बहुत जरूरत है, राइट फ्रॉम क्लास वन। जैसे आप ये छोटे छोटे बुक्स देखेंगे, ये सब क्लास केजी और क्लास वन के बच्चों के लिए है, वो तो आराम से कोई भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी हार्ड, तो डैमेज भी नहीं होगा, आप कोई भी बिना शक के बच्चों को ये लाइब्रेरी में ला सकते हैं। हमारे सब लाइब्रेरी में छोटे बच्चे आने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बहुत पेरेंट्स बोले नहीं 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 बुक्स उल्टा पुल्टा करेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बुक्स तो बच्चों के लिए ही है, वो हैंडल कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अंकल मूसा आपने हमसे इतनी सारी बातें की, अपने बारे में बताया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया, रीडिंग मूवमेंट के बारे में बताया, लाइब्रेरी मूवमेंट जो आई उसके बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने और एक टाइम कुछ बातचीत करने का एक माहौल बना दिया। जी, आशा करते हैं कि इस टाइप का आइडिया बहुत लोगों के पास पहुंचेंगे, और खुद वो बैंबूसा लाइब्रेरी में आने के लिए रुकना नहीं है, अपना अपना एरिया में, अपने घर के रूम में, वरांडा में, कहाँ नज़दीक में कोई की कहाँ भी छोटा लाइब्रेरी शुरू करें, आसपास के लोगों को इनवाइट करें और थोड़ा टाइम एक साथ पढ़ें और दूसरों को पढ़ के सुनाएं। थैंक यू सर।